सो हेलो एवरीवन, वेल दोस्तों, अगर आपको ना प्राइस एक्शन आ गया है ना, तो आपको ना पैसे कमाने से कोई मायका लाइन नहीं रोक सकता दोस्तों। बस आपको ना प्राइस एक्शन सीखना है। प्राइस एक्शन ही भगवान है। प्राइस एक्शन ही एकमात्र वो जरिया है जहाँ पे आप पहुँच के पैसे कमा सकते हो दोस्तों। अगर आप इंडिकेटर के पीछे भगोगे ना, तो आप ज़्यादातर टाइम लॉस ही करोगे। तो दोस्तों आपको ना बस प्राइस एक्शन सीखना है। अब देखिए दोस्तों, आज मार्केट ना गैप अप ओपन हुआ था। अब आप दिमाग लगाओ, जिन्होंने ये सारी पोजीशन बनाई थी, वो यहाँ इतना प्रॉफिट देखने के बाद में एग्जिट नहीं करेंगे। बेशक वो एग्जिट करेंगे, और यहाँ पर जब वो एग्जिट करेंगे ना, उसकी वजह से मार्केट यहाँ से गिरेगा। इतना प्रॉफिट अगर मैं भी वहाँ पे जाके देखूंगा ना सुबह गैप अप ओपन होने के बाद, तो मैं तो बुक करूँगा। तो इस वजह से दोस्तों आपको ये फॉल देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जब कैंडल बनी ना, हमारा अगला पॉइंट क्या होना चाहिए था, या तो मार्केट यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लेता, जो मार्केट पहले बहुत दिनों से ले रहा था। देखिए पीछे भी यहाँ पे बहुत सी जगहों पे मार्केट ने रजिस्ट कराया है। अब दोस्तों जब भी देख लेना, जब मार्केट गैप अप ओपन होता है ना, तो उसके बाद में ये कैंडल बनती है, तो उसके बाद में एक और रेड कैंडल बनती है ना, तो बढ़िया वाली एकदम एंगल फिंग कैंडल, तो वहाँ से प्रॉफिट बुक होना चालू हो जाता। तो हम यहाँ पे इसी कैंडल का एसएल लेके यहाँ पर हम आराम से एंट्री बना सकते थे दोस्तों। अब अगर ये आपको रिस्क लगता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, मार्केट अभी तो शुरू ही हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होता, जब मार्केट ये यहाँ पे एक दो तीन तीन बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर ये डायरेक्ट तोड़ा और डायरेक्ट ही आ गया, तो इसके बाद में जब मार्केट ये रेजिस्टेंस था पहले, तो अभी सपोर्ट बन चुका है, जब मार्केट ऊपर से आएगा तो ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पर आने के बाद में अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देती थी ना, तो हम आराम से उसी कैंडल का एसएल लेके यहाँ तक का हम टारगेट बुक कर लेते, एसएल ट्रेल कर करके। लेकिन इस कैंडल के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करती है, और ये ट्रायंगल सा पैटर्न बनाने के बाद में मार्केट ने ये कैंडल नीचे क्लोज कर दी, और इस कैंडल को नीचे क्लोज करने के बाद में आप इसका ही एसएल लेके आराम से यहाँ आगे आप एसएल ट्रेल कर करके टारगेट ले सकते थे। अब दोस्तों जब ये कैंडल क्लोज करी थी ना, तो मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दिया था कि मार्केट को जब तक कोई भी कैंडल ग्रीन कैंडल ना रेड कैंडल के ऊपर क्लोज ना करे ना, तब तक आप कॉल साइड मत लेना। क्योंकि दोस्तों मार्केट जब बेरिश आ रहा ना, तो उसे आने दोनों बीच में क्यों उंगली करते हो। तो देखो दोस्तों ये ट्रेड लाइन आ रही थी। वैसे दोस्तों ये ट्रेड लाइन ना बहुत ख़राब है, ये हमको ना बहुत ही, अगर आप इसके ऊपर क्लोज होने के बाद में एंट्री लोगे ना, तो ये ट्रेड लाइन ना बहुत ख़राब है। अगर लेकिन अगर आप इसको एक नज़रिए के साथ यूज करोगे कि इसके जब जब तक इसके नीचे मार्केट चल रहा है ना, तब तक मैं पोजीशन को एग्जिट नहीं करूँगा, तब तो ये ट्रेड लाइन सही है। लेकिन ये एंगल ना, ये एंगल बहुत ख़राब है। अगर आप इस एंगल में ऊपर कैंडल क्लोज करने के बाद में एंट्री लोगे ना, तो आप फंस जाओगे, इसलिए मैंने आपको मना कर दिया था। तो देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था कि ऐसा ही कोई सीनेरियो बनता है और कोई कैंडल नीचे क्लोज करती है ना, तो हम वापस पुट साइड की एंट्री ले सकते हैं, अगर जिन्होंने यहाँ पर नहीं लिया है। तो देखो दोस्तों, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा था, तो मैं अब नीचे कहाँ तक आ सकता हूँ, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, और वो जो उसके फैल होते हैं पास होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो पहले तो मैं ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, और ये हमारे नीचे सपोर्ट है, मैं इसको सपोर्ट को ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ तक मैंने आपको टारगेट भी दिया था कि यहाँ पर मार्केट आएगा और सपोर्ट लेगा। अब दोस्तों ये हमारे कल के हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो कल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वैलिड होते हैं, उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। और आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो ज़्यादा वैलिड होते हैं, क्योंकि ये जो आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस है ना, वो सबको दिख रहे हैं भाई, लेकिन कल के पे बहुत ही कम नजर आएगी। तो आज वाले को हम ज़्यादा देंगे, और कल वाले को भी थोड़ा बहुत महत्व देंगे, लेकिन आज वाले को हम ज़्यादा देंगे। तो देखो दोस्तों, यहाँ तक एक भी कैंडल ऊपर क्लोज नहीं करी, यहाँ पर एक कैंडल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के ऊपर क्लोज कर जाती है, इसका मतलब है कि मार्केट में अब बायर्स की एंट्री हो चुकी है। मतलब थोड़े बहुत ही बायर आएंगे, एक साथ इतने सेलर्स को डिफेंड नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद में मार्केट यहाँ पर आके स्विंग बना के ऊपर जा रहा था, तो हम डायरेक्ट तो एंट्री नहीं ले सकते कॉल साइड की, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है। अगर कोई चैनल पैटर्न बनाता है, तो हम आराम से कॉल साइड जा सकते थे, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्केट जब आया, तो मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, ये मैंने सपोर्ट ड्रॉ कर लिया, ठीक है दोस्तों।
तो देखो दोस्तों, अब ये स्विंग बनी थी एक, इसके ऊपर डायरेक्ट कैंडल क्लोज कर दी, तो डायरेक्ट में तो मैंने आपको मना कर दिया था। और यहाँ पर एक वापस कैंडल, अगर ये देखो ये एक ये बारीक ऐसा मामला है। यहाँ पे देखो आप, मैं इसको जूम करता हूँ। जब मैं यहाँ पर ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, इसको कैंडल ऊपर क्लोज करके जा रही है, देखो एक बार जूम, ये स्विंग बनी है ना, इसको देखो। अब ये कैंडल ऊपर गई, अब मार्केट यहाँ पर आने के बाद में इसको रिटेस्ट कर लेता, लेकिन रिटेस्ट करके जो ये रेजिस्टेंस है ना, जो अब सपोर्ट बन चुका था, इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं करता, तो हम आराम से वापस कॉल साइड की तरफ जा सकते थे, है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये कैंडल क्लोज कर दी, मतलब अब प्राइस कुछ और ही पैटर्न बनाना चाहती है। तो मैंने आपको मना करा था कि अगर मार्केट ऐसे ऊपर जाके क्लोजिंग देता फिर वापस नीचे आता ना, तो वो बहुत ही बुरा प्राइस एक्शन है, उसमें आप एंट्री कराई मत करो, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था, आपको अगर मेरे हर वीडियो देखते हो ना तो आपको याद भी होगा, अगर मार्केट ऊपर जाके क्लोज देता फिर नीचे आके क्लोज देता ना, वो बहुत ही बुरा प्राइस एक्शन है, उसमें आप एंटर मत करा करो। अब देखो दोस्तों, अब मार्केट जब यहाँ पर जाने के बाद में ये नीचे आ रहा था, अब नीचे आ रहा ना, तो यहाँ पर सब पुट साइड के थे, ये वाले पुट के थे, ये वाले पुट के थे, सब पुट ले रखे थे, और ये कैंडल ऊपर क्लोज कर जाती। जो बड़े ऑपरेटर ना, उन्होंने अच्छा गेम खेला, सब कैंसिल करवा दिया। सब कैंसिल कराने के बाद में देखो अब मार्केट नीचे गिरा, और बैंक निफ्टी में भी देख लो दोस्तों, देखो दोस्तों बैंक निफ्टी में दोस्तों और भी खतरनाक तरीके से ऐसा हुआ है। देखो दोस्तों, ऑपरेटर ऐसे खेलते हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर गए, एक स्विंग ये बना, नीचे आया और यहाँ पर एम पैटर्न बना दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं भी ट्रेड कर लूँगा, बेशक सी बात है दोस्तों, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन भी कर रहा है, पैटर्न भी बना रहा, तो बेरिश ट्रेंड में मार्केट भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लूँगा, देखो ये मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर ये पैटर्न बना एम पैटर्न, तो मैं यहाँ पर एंट्री लेता, वैसे तो मैं इसके नीचे क्लोजिंग पे एंट्री लेता, लेकिन यहाँ पे मैं एंट्री लेता, और जहाँ पर जो ये सब पुट साइड की एंट्री ले रखे हैं ना, तो उनका सबका ऐसा लिए कैंडल करा दी। अब यहाँ पर बायर फंस गए कि ये देखो बायर, अब बाय वाले भी आ गए और ये कैंडल फिर से ऐसा करा दी। ये ऑपरेटर ना ऐसे खेलते हैं, और देखो उसके बाद में मार्केट क्या गिरा है। तो दोस्तों ऑपरेटर्स ना ऐसे खेलते हैं, और इस जगह पर हमारा प्राइस एक्शन फेल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी जगह पे आपको ना डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको टेंशन नहीं लेना कि मेरा प्रोजेक्शन काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें होएगी मार्केट में, ऑपरेटर हमारे साथ खेलेंगे, लेकिन वो कभी कभार ही हमसे जीत पाएंगे। अब देखो दोस्तों, ये मार्केट यहाँ से जाने के बाद में अभी डायरेक्ट तोड़ा है ना, तो ये यहाँ पर रुको, कहीं पर भी नहीं रुका, अभी डायरेक्ट तोड़ रहा ना, तो मैं तो ऐसे में एंट्री नहीं लेता, कभी भी एंट्री नहीं लेता दोस्तों। मैं अगर मेरे स्टूडेंट्स हैं 7-8, मैं इनको ये इनको भी मना करता हूँ, तो ये आज अच्छा मूव दिया, कल ये हमारा एसएल ले लेगा। तो ऐसे में दोस्तों आपको जब ये बड़ी कैंडल क्लोज करिए ना, ये मैंने आपको सिखाया भी है, तो ये बड़ी कैंडल क्लोज करी ना, तो आप ये कैंडल जब इसके क्रॉस करके जा रहे ना, तो आप आराम से यहाँ तक ऐसा ले लो, 10-15 जितने रुपए का बन रहा ना, जितना आप ऐसा खा सकते हो उतना ऐसा ले लो, उसके बाद में आपको ये बड़े बड़े मूव्स मिल जाएंगे। अब दोस्तों इसके डायरेक्ट तोड़ने के बाद मैंने आपको बोला था कि है ना, मार्केट अगर वापस इसको रजिस्ट करता है ना, तो आप एंट्री ले लेना। अब दोस्तों मार्केट यहाँ से तोड़ने के बाद में इसको रिटेस्ट करता है, और मैंने आपको बोल दिया था कि आप रिटेस्ट करता है तो आप एंट्री ले लेना। तो दोस्तों जब ये रिटेस्ट करा ना, तो देखो दोस्तों अगर यहाँ पर ये कैंडल जाती ना, आराम से धीरे धीरे जाती ना, अब ये दोस्तों डायरेक्ट ये कैंडल ही विक बना के टच कर दी, तो यहाँ पर हमें बहुत अच्छा मूल मिल जाता, क्योंकि ये देखो हमारी क्रॉसिंग भी हो रही है जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो दोस्तों ये कैंडल ऐसे बनते बनते धीरे धीरे जाती ना, तब हमारा एक अच्छा प्रोजेक्शन बनता है। लेकिन दोस्तों ये कैंडल डायरेक्ट इसको रिटेस्ट कर देती यहाँ से जाने के बाद में, तो और ये प्रोजेक्शन बिल्कुल बिगड़ जाता, और इसके बाद में दोस्तों ये कैंडल आती है यहाँ पर, और ये कैंडल ऊपर क्लोज करती है, इसमें आप इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं लेगा। तो ऐसे दोस्तों आप ये मूव छोड़ दिया करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस है, अब देखो दोस्तों ये ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, तो डायरेक्ट तोड़ा है, तो ऐसे में भी दोस्तों आप बिल्कुल एंट्री नहीं लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है जो मैंने आपको पढ़ाया, और ये डबल पोर्स बता रही, तो आप ऐसे में एंट्री ले सकते हो। तो दोस्तों आपको अगर फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन में बचना है ना, तो यही एक जरिया है, आपको ये डायरेक्ट तोड़ता है ना, उसमें एंट्री बिल्कुल नहीं लेना। अब दोस्तों ये आज अच्छा काम करा, ये डायरेक्ट तोड़ने वाला, ये बड़े बड़े मूव दिया, लेकिन दोस्तों ये रोज़ का गेम नहीं है, हमको तो हमेशा पैसे कमाने हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि आज पैसे कमाए कल नहीं कमाए। दोस्तों हमें अगर हमको रोज़ पैसे कमाने ना, तो यही जरिया है दोस्तों,
यहाँ पर दोस्तों देखो, अब ये पैटर्न बनाया है ट्राइंगल पैटर्न यहाँ पर। अब इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज करती ना तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, लेकिन दोस्तों ये कैंडल अगर छोटी क्लोज करती यहाँ तक का ही तो भी हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ही कैंडल देखो इतना बड़ा मूव दे गई, तो ऐसी कैंडल से में अगर आपका एसएल बड़ा जा रहा है ना, अब बड़ा एसएल नहीं ले सकते ना, तो अब छोड़ दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, फालतू में लॉस मत खाया करो। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये कैंडल क्लोज करिए, अब ये कैंडल भी अगर धीरे धीरे आती तो और भी अच्छा हमारा प्रोजेक्शन बनता। तो अब ऐसे में ये कैंडल क्लोज करिए, तो यहाँ पे ये कैंडल अगर रिटेस्ट करिए विक बना के, तो आप इस कैंडल का एसएल लेके आप एंट्री बना सकते हो। और दोस्तों आपको आज के प्रोजेक्शन के बारे में कुछ भी पूछना हो तो वो आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।